और हमें 5x + y 13 दी हुई है और x y 10 दी हुई है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली है 125x³ + y³ की हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो मैंने इसको यहाँ पे नीचे उतार दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 5x + y² में 13 दी हुई है, तो इसको तो मैंने इसको यहाँ पे एज इट इज़ नीचे उतार दिया, और इधर x y² में 10 दी हुई है, मैंने इसको भी यहाँ पे एज इट इज़ नीचे उतार दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 5x + y = 13 है, मैंने इसको यहाँ पे एज इट इज़ नीचे उतारा और मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स अब मैंने इस 5x + y³ पर भी क्यूब लगा दिया है, इक्वल और 13 को भी यहाँ पे लिख के इसके ऊपर क्यूब लगा दिया है। मैंने क्यूब क्यों लगाया है? मैंने क्यूब इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमने 125x³ + y³ की वैल्यू मालूम करनी है और इसके ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है, इसलिए मैंने 5x + y के ऊपर भी क्यूब लगा दिया और 13 के ऊपर भी क्यूब लगा दिया है। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे फॉर्मूला की हेडिंग लिखी है, हमें 125x³ + y³ की वैल्यू मालूम करनी है। उसको मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला है a+b² = a³+b³+3ab(a+b)। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले का राइट साइड यूज़ में लूँगी, फॉर्मूले का लेफ्ट साइड जो है वो मैं यूज़ में नहीं लूँगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये जो 5x है मैं इसको a के बराबर ले रही हूँ और b को मैं y के बराबर ले रही हूँ, इस 5x को मैं a के बराबर ले रही हूँ और इस y को मैं b के बराबर ले रही हूँ। अब स्टूडेंट्स फिर ना मैं यहाँ पे ये जब मैं अपने वैल्यू पुट अप करूँगी, यहाँ पे a की जगह मैंने 5x लिख दिया, इस पे क्यूब लगा, यहाँ पे a की जगह मैंने 5x लिख दिया, इस पे क्यूब लगा दिया, प्लस इधर b की जगह मैंने y लिख दिया, इस पे क्यूब लगा दिया, प्लस 3 फॉर्मूले का। अब यहाँ पे जो a है इस a की जगह इधर मैंने 5x लिख दिया, इधर b की जगह मैंने y लिख दिया, इधर a की जगह मैंने 5x लिख दिया, प्लस और इधर b की जगह मैंने y लिख दिया। और स्टूडेंट यहाँ पर जो मैंने एक जगह निशान डाला और स्टूडेंट यहाँ पर जो 13 था स्टार्टिंग के मैंने 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2197 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब यहाँ पे मैंने 125x³ + y³ को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 15 को मैंने एज इट इज़ नीचे उतारा, इधर हमें x y की वैल्यू 10 दी हुई है, इधर मैंने x y की जगह तो अभी यहाँ पे इधर मैंने x y की जगह 10 लिख दिया, ब्रैकेट बना दी। इधर हमें 5x + y की वैल्यू 13 दी हुई है, तो इधर मैंने 5x + y की जगह 13 लिख दिया, ब्रेकेट बना दी, इक्वल और 2197 को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 125x³ + y³ को मैंने एज इट इज़ नीचे उतारा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इन तीनों टर्म्स को आपस से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे 10 की साइन कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे 13 की साइन कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस आ गया। और जब मैंने इन तीनों टर्म्स को आपस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1950 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये जब मैंने इस 2197 को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 125x³ + y³ को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब स्टूडेंट ये जो 2197 था मैंने इसको इक्वल के इधर कर दिया, इक्वल और 2197 को इक्वल के इधर कर दिया, और जो प्लस का 1950 था मैंने इसको इधर इक्वल को उधर कर दिया, तो माइनस का 1950 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 125x³ + y³ को मैंने एज इट इज़ नीचे उतारा, इक्वल और स्टूडेंट जब मैंने 2197 में से 1950 माइनस कर दिया तो मेरे पास 247 आ गया, और यही मेरा आंसर है। स्टूडेंट्स यही मेरा आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।